Hello students, welcome back to another video session with me. I am Subhasish Das and you are watching your favorite YouTube channel IIT Jeon Tutorial, and in today's video we are going to discuss numerical problem solving tricks and techniques based on the projectile on inclined plane. Inclined plane में हम लोग किस तरह से projectile motion का problem को solve करते हैं और वहाँ ऐसा क्या different है than the projectile which is usually discussed on the horizontal basis. तो आज हम लोग उसी का कुछ जो मैंने last अपना projectile पे जो भी video बनाया है, आप अगर video series में जाएंगे तो playlist में आप जहाँ kinematics in two dimension है यानी कि projectile motion पर जो videos available है उसमें देखेंगे कि last जो video मैंने upload किया था, जहाँ last जो lesson मैंने बनाया था आपके लिए, वो बिल्कुल ही प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन की बेस पर जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कशन किया. अगर आपको आज का वीडियो का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स है उसको समझना है तो आप प्रीवियस जो लास्ट वीडियो है इस सीरीज में उसको भी एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट का रिविजन हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेसन्स विच आर गोइंग टू डिस्कस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे हेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम लोगों का आज डिस्कशन है, जो इशू है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो किस तरह का होता है वो डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन एक मान लेते हैं कि एक हॉरिजेंटल सरफेस से एक 30 डिग्री एंगल पर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन एज्यूम किया, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विच इज़ फर्दर 30 डिग्री विद द इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, 30 डिग्री है इंक्लाइन प्लेन का एंगल विद द हॉरिजेंटल, एंड पार्टिकल इज फर्दर प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंक्लाइन प्लेन. और अगर ये पॉइंट को मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है वो अगर ए है तो पार्टिकल को ए से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो इस तरह से जाके इंक्लाइन प्लेन में फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे हिट करेगा. ठीक है, तो हम लोगों को पता करना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ए बी, ए से बी जाने में पार्टिकल को कितना समय लगा, मान लो ये पहले हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं. तो क्या करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, एज वी कैन सी हेयर द पार्टिकल इज थ्रोन विद गिवन स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज प्रोजेक्टेड. कितना एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ज्योमेट्री फिगर में देख सकते हैं, इसको 30 डिग्री एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ. ठीक है ना, तो हम लोग आप कहोगे कि सर इसका तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमको पता है. ये सबको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में कितना होता है, 2u sin थीटा / g. लेकिन ध्यान रखना है कि 2u sin थीटा / g का जो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है वो सिर्फ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये दोनों जब एक हॉरिजेंटल लेवल पर होगा तभी जाकर ये फॉर्मूला हम प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि क्या यहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही लेवल पर है, नहीं ऐसा नहीं है. यहाँ यहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक लेवल पर नहीं है. ये आप देख सकते हो डायग्राम से, देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्टिकल पोजीशन. एक वर्टिकल हाइट है, एच है बिटवीन ए एंड बी. एग्जैक्टली कितना है वो फिलहाल हम लोग न्यूमेरिकली यहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तय है डायग्राम से, इतना समझ में आ रहा है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक वर्टिकल लेवल पर तो नहीं है. तो अगर एक वर्टिकल लेवल पर नहीं है तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 2u sin थीटा / g वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा. ये तभी अप्लाई कर सकेंगे जब हमारा डायग्राम, मान लीजिए आप सपोर्टिंग डायग्राम को समझ लीजिए, प्रोजेक्टाइल जब ऐसे
जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब एक हॉरिजेंटल लेवल पर है उसके लिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जहां स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू होगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। लेकिन यहां चूंकि ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी। चूंकि पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ए बी जो है ना ये इंक्लाइंड प्लेन, ए बी कौन सा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डिरेक्शन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो दैट डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। मतलब ऐसे लिखे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी, ए बी प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ए बी लाइन है आप ध्यान से देखो, इससे परपेंडिकुलर लाइन में यानी कि अवे फ्रॉम ए बी डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ पार्टिकल का, नहीं ना हुआ, क्योंकि पार्टिकल क्या किया, प्लेन का एक पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी प्लेन पे जाके अपना मोशन कंप्लीट किया। तो जब हम लोग एक हॉरिजेंटल सरफेस पे, मान लो ग्राउंड पे, अगर मैं कई बार उछल कूद करता हूँ ना, एक बार उछला फिर दूसरा बार उछला, तो फिर भी क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस सरफेस से शुरू कर रहा हूँ घूम के उसी सरफेस पर आ रहा हूँ, तो सरफेस से मेरा फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर मैं इंक्लाइन प्लेन का एक पॉइंट इसे शुरू करके इंक्लाइन प्लेन पर ही मोशन को कंप्लीट करता हूँ, यानी कि बी पर मोशन कंप्लीट करता हूँ, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी जीरो होगा। अब क्या करेंगे, देयरफॉर यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला अलोंग परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी डिरेक्शन में अगर मैं ये फॉर्मूला का यूज करूंगा तो तब लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है और वो डायरेक्शन कितना है 30 डिग्री पर, किसके साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ, तो क्या मैं इस वेलोसिटी को इस तरह दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा u cos 30 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin 30, यानी कि जो फॉर्मूला में हमको u यूज करना है वो कौन सा, u sin 30 लेना है, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को किस लाइन पे यूज कर रहा हूँ, अलोंग परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि इस इक्वेशन का हर वेक्टर क्वांटिटी एस यू ए ये तीनों क्वांटिटी जो है टी के अलावा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों जो है परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन पे यूज होना चाहिए, यानी कि यू साइन 30 विल बी द वैल्यू ऑफ यू इन दिस फॉर्मूला दैट इन टू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इन टू एक्सेलरेशन, वो भी परपेंडिकुलर टू ए बी यूज होना चाहिए, यानी कि यहाँ जो g का डिरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, g शुड बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट और ये वाला एंगल जो है ज्योमेट्रिकली 30 होगा, यानी कि इस एंगल के बराबर, ठीक है ना। ज्योमेट्री से ध्यान से देखिए, इसको ऐसे करके अगर एक्सटेंड करते हैं तो है ना ये वाला 30, तो यहाँ ये भी 30, तो वही एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों, ठीक है ना, ये एंगल जितना आएगा ये भी एंगल उतना ही आएगा, तो g का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा g cos 30 और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना आएगा g sin 30 डिग्री, यानी कि आपको कौन सा एक्सेलरेशन यूज करना है, g cos 30, चूंकि इस फॉर्मूला में सभी क्वांटिटी कौन से डायरेक्शन में ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ए बी, बिल्कुल। तो वो होगा माइनस g cos 30 दैट इन टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस किस लिए, क्योंकि इनिशियल यू साइन 30 जो कि अवे फ्रॉम ए बी था वो पॉजिटिव लिए, तो टूवर्ड्स ए बी क्या होगा, नेगेटिव, तो यानी कि इसका सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा यू साइन 30 दैट इज यू बाई टू, यू का मैग्नीट्यूड 20 इंटू 1/2 दैट इन टू टी दैट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/2 जी को 10
cos 30 यानी रूट 3 बाई 2 दैट इन टू टी स्क्वायर, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक टी कैंसिल होगा, इधर एक हाफ को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर हो गया 5, तो यानी कि टी का वैल्यू हो गया, टी हो गया यहाँ कितना 20 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3, सो 20 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3 यानी कि 4 बाई रूट 3 सेकेंड, ठीक है, तो 4 बाई रूट 3 सेकेंड हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल विच स्टार्टेड फ्रॉम ए, जिसको कि इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था, 30 डिग्री एंगल, इंक्लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था, और वो पार्टिकल उसी इंक्लाइन प्लेन पर बी पर आकर अपना मोशन कंप्लीट किया। तो हम लोग देखे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल में अगर स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, भले यहाँ लाइन ज्वाइनिंग एक प्लेन की तरह ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो भी लाइन ज्वाइनिंग होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उस लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो लेते हुए परपेंडिकुलर टू उस लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला से हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिफरेंट सिचुएशन में समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा जगह में स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का, इस ट्रिक का बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा आप इसको सही ढंग से समझने के लिए क्या करेंगे, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, इसको एक बार दो बार देखेंगे, और फिर इस तरह का कई सिचुएशन अपने आप में बना लेंगे अलग अलग एंगल के साथ, अलग अलग स्पीड के साथ, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हुए, रिवाइज करते हुए आप दो चार क्वेश्चंस अपने से प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको ये ट्रिक पूरा आपके कंट्रोल में, यानी कि आप समझ जाएंगे कि पूरा सिचुएशन में कौन सा स्टोरी लाइन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर आप एक बार इस टेक्निक को सीख जाएंगे तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग लगातार अपने चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ट्रिक्स टेक्निक्स पर बात करते हैं, तरह तरह का वेरिएशन सिचुएशन पर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में, या आप भी जानते हो, आप भी समझ रहे हो कि फिजिक्स में जिसका भी थोड़ा फिजिक्स में प्रॉब्लम है ना, जिसको भी लगता है कि फिजिक्स उसके लिए बहुत टफ है, और आप बिल्कुल समझते हो कि फिजिक्स आपके लिए टफ इसलिए लग रहा है कि आप जो थियोरेटिकली जो बात समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, न्यूमेरिकल बनाने आते हैं, तब आप उस बात को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि आपका अंडरस्टैंडिंग प्योर नहीं हो रहा है, यानी कि हर सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग को आप पूरा मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं, और उसीलिए आप न्यूमेरिकल करते हुए फंस रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप फिजिक्स को पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, हर एक स्टेप का जो फार्मूला है उसका मैकेनिज्म को समझिए कि कौन सा फार्मूला में क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कहाँ से कौन सा टर्म के साथ किसका क्या रिलेशन है। और मैं समझता हूँ कि आईआईटी जून ट्यूटोरियल के इस चैनल में आप अगर जितना वीडियोज अब तक अपलोड हुआ है और आप आने वाले समय में जो अपलोड होंगे, अगर आप नया व्यूअर्स हैं, आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वीडियो है, और आने वाले वीडियो को भी देखिए, तो आपको आपका जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो पूरा अप टू द मार्क बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ लगातार वीडियोस में अपलोड करते जा रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपका सपोर्ट आईआईटी जून चैनल को ज़रूर मिलेगा, और आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से ये बहुत सारे बच्चों तक अपना सपोर्ट को पहुंचा पाएगा, बहुत सारे बच्चे इससे हेल्प लेंगे, और उनको उनका जो जेई और नीट का जो तैयारी है वो प्योर एंड परफेक्ट होगा। Okay, so keep watching the video, the channel. Wait for the next video. Thank you.